हेलो फ्रेंड्स सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सो डिपेंड अपॉन वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ये तीन प्रॉपर्टी जो चार्ज की आइडेंटिफाई की गई है जिसको हमें आज uh, इस वीडियो में समझना है तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सो ऐसा बोलते हैं कि चार्जिज आर क्वांटाइज्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वॉन्टाइजेशन तो पहले इसको समझ लेते डेफिनेशन फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल चार्जेस आर फाउंड इन नेचर आर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज तो जितने भी चार्जेस नेचर uh, में फाइंड आउट होते हैं, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में हमें मैंशन करने पड़ते उसका जो तो इक्वेशन है वो क्यू बराबर एनी ओके okay. तो एन क्या है दैट इज़ अ नंबर्स एंड ई क्या है तो ई इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल ऑफ चार्ज तो अगर मुझे कहीं पे कोई टोटल चार्ज अगर एक्सप्लेन करना हो या बताना हो या लिखना हो तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है पहले वो समझते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन डिस्क्रिट अमाउंट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस अमाउंट फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एज ए माइनस ई चार्ज प्रोटोन एज ए प्लस ई चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल एज ए प्लस टू ई चार्ज अब डिस्क्रिट अमाउंट और कंटिन्यूस अमाउंट में मतलब क्या होता है कि जितने भी चार्जेस हैं वो सभी डिस्क्रिट अमाउंट में फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप कोई आ, कोई आ, बिल्डिंग में सीडियाँ चढ़ रहे हो ठीक है तो सी डी ओ के नंबर कैसे होंगे कि भाई इस बिल्डिंग में पहले माले में चढ़ने के लिए वहाँ पर पंद्रह सी डी है या बीस सी डी है ठीक है या पच्चीस सी डी है ओके तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि वो कंटिन्यूस है वो कैसी है डिस्क्रिट है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दैट दर इज नथिंग बिटवीन वन एंड टू तो सी को ऐसा नहीं बोलेगा भाई uh, साढ़े बाईस सी है वहाँ पे चढ़ने के लिए या ट्वेंट ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन सी है इस फ्लोर पे चढ़ने के लिए दर इज नथिंग लाइक अ कंटिन्यूअस ओके इट इज अ डिस्क्रीट ओके सो डिस्क्रीट का मतलब होता है लाइक अ इंटीजर मल्टीपल ओके okay, तो जो चार्जेस भी है उसको भी वो वो भी सभी इंटीजर मल्टीपल में कभी कहीं पे आधा चार्ज नहीं होता या 1.5 चार्ज नहीं होता दैट इज अ वन टू थ्री फोर फाइव लाइक इन इंटीजर मल्टीपल इन अ डिस्क्रिट स्टेट ओके नथिंग विच इज़ अ कंटिन्यूअस ओके तो इसको समझा और कैसे जाए तो जितने भी चार्जेस है उसको हमें फंडामेंटल चार्जेस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे एक, एक एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने चार्ज है तो दो चार्ज है तो दो चार्ज आप लिखोगे कैसे तो आप बोलोगे प्लस टू ऐसा नहीं लिखोगे आप क्या बोलोगे प्लस टू ई तो आपने प्लस टू लिखा लेकिन किसके टर्म्स में लिखा ई के टर्म्स में ठीक है तो इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज ओके अगर तीन होंगे तो हम प्लस थ्री ई लिखेंगे ओके अगर माइनस होगा तो माइनस थ्री ई लिखेंगे बट देर इज़ अ नथिंग बिटवीन लाइक ए नॉन इंटीजर ठीक है यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में कभी एप्लीकेबल नहीं होता है फ्रैक्शन में इसको कभी नहीं लिखा जाता क्योंकि सभी इंटीजर मल्टीपल में होते ठीक है ना उसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमारी करेंसी है जिसको हम रुपया बोलते हैं ना रुपया इज नथिंग बट वेरी सिंगल रुपीज जिसको हम सिंगल रुपीज बोलते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रुपया बोलते हैं अगर आपके पास रुपया इज ए फंडामेंटल आप ऐसा समझो रुपया इज ए फंडामेंटल अगर आपके पास सौ रुपया तो आप क्या बोलोगे मेरे पास सौ है आप ऐसा नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे मेरे पास सौ रुपया है तो यू जस्ट मैंशन द नंबर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल तो आपने सौ तो बोला लेकिन पीछे जो मैंशन किया रुपया इज ए फंडामेंटल इट इज अ वन रुपीज मीन्स ठीक है तो अगर आपके पास हजार रुपया तो आप क्या बोलोगे हजार रुपया ठीक है हजार रुपीज आप अकेले हजार नहीं बोलोगे ठीक है तो यू हैव टू मैंशन द करेंसी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल समथिंग लाइक दैट ओके तो इसमें भी जितने भी चार्ज है किसी आ, किसी सिस्टम में वहां पे पचास इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे इसके पास क्या होगा कि पचास तो आप अकेला पचास नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे पचास इलेक्ट्रॉन तो दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल तो आप जो भी मैंशन करोगे उसको फंडामेंटल चार्ज के टर्म्स में मेंशन करोगे और ये जो नंबर होंगे वो नंबर कैसे होंगे डिस्क्रीट होंगे इंटीजर मल्टीपल होगा ठीक है दर ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई पचास पॉइंट टू ई रॉन्ग ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है तो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस का मतलब होता है पचास पॉइंट वन पचास पॉइंट टू पचास पॉइंट थ्री उसके बीच में भी आता है पचास पॉइंट वन वन पचास पॉइंट वन टू पचास पॉइंट वन थ्री इसको कंटिन्यूस बोलते हैं तो ऐसा कंटिन्यूस चार्जेस नहीं होते सिस्टम में चार्जेस कैसे होंगे डिस्क्रीट होंगे ठीक है इट इज लाइक इंटीजर मल्टीपल तो ये जो uh, पहला जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है सो दिस इज अ वन प्रॉपर्टी नाउ द सेकंड इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज एलिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट एटरेंट पॉइंट इन साइड द सिस्टम मान लो आपके पास कोई सिस्टम है और आप उस सिस्टम के टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो देन वॉट इज द मैथड चार्जेस वो स्केलर क्वांटिटी आपने जैसे पहले वीडियो में पढ़ा तो स्केलर क्वांटिटी होगी तो अगर मुझे टोटल करना है तो आई हैव टू ऐड लाइक अ नंबर तो मैंने इसको ऐसा एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पास सिस्टम में एन नंबर ऑफ चार्जेस है और अगर आप उसके टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अपू क्यू वन मतलब आपको सिंपली उसको ऐड कर देना है एंड यू विल गेट द टोटल चार्ज तो एग्जाम्पल देखते हैं ये प्लेट है प्लेट के ऊपर चार चार्ज है इस इस जगह पे प्लस टू माइक्रोकुलम चार्ज है इस जगह पे माइनस थ्री माइक्रोकुलम चार्ज है इस जगह पे प्लस सेवन माइक्रोकुलम चार्ज है इस जगह पे माइनस फोर माइक्रोकुलम चार्ज है तो पूरी प्लेट पे कितना चार्ज होगा तो मुझे कैसे टोटल करना पड़ेगा तो आई जस्ट हैव टू सिंपली हैव टू ऐड नथिंग एल्स द टोटल चार्ज इज नथिंग बट द क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर ठीक है चार चार्ज चार्च, चार्च तो प्लस q, प्लस है तो चार्ज 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 को ऐड कर दूंगा ठीक है तो प्लस क्यू प्लस टू माइक्रोकुलम प्लस सेवन माइक्रोकुलम ये माइनस है तो माइनस थ्री माइक्रोकुलम ये माइनस फोर माइक्रोकुलम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बस हमें सिंपली एल्जिब्रिकली ऐड कर देना है तो आंसर क्या आएगा इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद प्लस टू माइक्रोकुलम तो इसके ऊपर कितने चार्ज है प्लस टू समथिंग लाइक दिस तो ये एक प्रॉपर्टी दूसरा है जिसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि जो चार्जेस होंगे वो स्केलर क्वांटिटी है क्वांटिटी है तो उसको हम सिंपली एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं ठीक है तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कंजर्वेशन वर्ड के बारे में आप सबको बहुत कुछ पता है क्योंकि आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह पढ़ चुके हो तो इसका स्टेटमेंट क्या है द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट ओके द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कभी भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता या कभी भी कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता चार्जेस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं तो इसके इसको दो तीन एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये कि अगर आपके पास ग्लास का रॉड है ये इफ यू रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लोथ ठीक है तो अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो तो क्या होगा तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ठीक है तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब क्या हुआ उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो ऐसा नहीं होता उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए ट्रांसफर हो गए ठीक है इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले इनिशियली हैव इन सेम नंबर अभी जब रब किया आपने तो आपके जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से ट्रांसफर हो गए तो अभी उसके अंदर प्रोटॉन है मेजोरिटी में तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया अब वो इलेक्ट्रॉन जो निकल गए वो क्या डिस्ट्रॉय हो गए तो नहीं वो कहाँ ट्रांसफर हो गए तो आप किसको रब कर रहे थे सिल्क क्लॉथ को तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ में तो सिल्क क्लॉथ के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले तो जो थे तो थे लेकिन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर से ठीक है ट्रांसफर होने के बाद तो सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिव ठीक है और ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया ग्लास ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया बराबर तो दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ लेकिन अगर पूरी सिस्टम का टोटल चार्ज ढूंढे तो क्या मिलेगा आंसर जीरो ही मिलेगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अगर आपके ग्लास रॉड ने लूज किए उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके सिल्क क्लॉथ ने गेन किए ओके सो आप आगे बिफोर रबिंग अगर आप इसका टोटल करो तो भी आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो आएंगे वही सेम नंबर आफ्टर रबिंग मिलेंगे सिर्फ ट्रांसफर हुए ओके द रेस्ट द टोटल विल बी सेम बिफोर द रबिंग एंड आफ्टर द रबिंग ओके तो पहले भी जीरो थे पहले भी उसके अंदर दस इलेक्ट्रॉन दस प्रोटॉन थे ठीक है अब टोटल हो जाने के बाद रब करने के बाद भी उसके अंदर दस इलेक्ट्रॉन और दस प्रोटॉन होंगे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है तो जस्ट ट्रांसफर हुआ है बट सिस्टम का जो पहले था और बाद में वो दोनों टोटल सेम रहेगा तो इसको बोलेंगे हम कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस दूसरा एक एग्जाम्पल है कि रॉक सॉल्ट का आयोनाइजेशन जैसे एन का आप आयोनाइजेशन करो तो क्या मिलेगा एन ए प्लस सी एल माइनस अभी देखो एन है तो अभी इसके ऊपर कितना चार्ज है तो जीरो चार्ज है अब इसके आयन बन गए ठीक है एन प्लस बन गया और सी माइनस बन गया लेकिन आप इस सिस्टम का टोटल करो क्या मिलेगा टोटल एक प्लस एक माइनस है तो टोटल तो चार्ज कितना होगा जीरो होगा एक प्लस एक माइनस है ठीक है तो पहले भी जीरो था आयोनाइजेशन के बाद भी जीरो है तो द चार्ज इज कंजर्व वो नहीं बदला कॉन्स्टेंट रहा तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस तो दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है दैट यू हैव हैर्न प्रॉपरली थैंक यू